गुड आईएमसी, नमस्कार। नमस्कार। आईएमसी कंपनी ने एक बहुत बड़े विजन के साथ में आपके लिए एक खास जड़ी बूटियों से तैयार एलोवेरा, गौमूत्र, लेहबेरी, इन कई चीज़ों के मिश्रण से तैयार करके आपके लिए बनाया है, जो आपकी फसल के ग्रोथ को बढ़ाएगा। अभी तक क्या हो रहा था कि बीमारियाँ बहुत हैं, आईएमसी में प्रोडक्ट भी हैं बीमारियों से बचने के लिए, तो जब उन प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, मगर हालांकि हम सही अर्थों में तभी स्वस्थ हो पाएंगे जब हमारी ये खेती स्वस्थ हो। हमने देखो, जब हमारी खेती स्वस्थ हो, हमारी खेती में हम लोग क्या कर रहे हैं, आज की डेट में जहर डाल लें, यूरिया डाल लें, इतना अधिक मात्रा में हम पेस्टिसाइड डालते हैं, जिसके कारण सबसे ज़्यादा आज की डेट में कैंसर के पेशेंट, डायबिटीज़ के पेशेंट और हाई बीपी, लो बीपी के पेशेंट, पेट में गैस, मतलब तमाम तरीके की समस्याएं हैं। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि हम इतनी मात्रा में अगर खाद और ये पेस्टिसाइड और दवाएं डालेंगे तो क्या होगा, हमारी खेती हल्के हल्के बंजर हो जाएगी। जब हमारी भारत जो है 70% इसकी आबादी खेती पर निर्भर है, 70% आदमी की आमदनी खेती के ऊपर निर्भर है, और जब हमारी खेती ही बंजर हो जाएगी तब हम क्या करेंगे। तो हमको अपनी खेती को भी सुरक्षित रखना है। खेती को सुरक्षित रखने के लिए आप आईएमसी के एग्रो बूस्टर को 1.5 से 1 मिली पर लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं और आप खाद के द्वारा डाल सकते हैं। अगर आप 3 साल तक लगातार इसको डालते हैं तो होगा क्या, आपकी मिट्टी में सुधार होगा। अब मिट्टी में सुधार अगर आप बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से भी पता करना चाहें तो आप इस साल पहले अपनी मिट्टी की जांच कराएं और उसकी रिपोर्ट देखें, 1 साल एग्रो बूस्टर डलवाएं, फिर रिपोर्ट देखें, तो आने वाले 3 सालों में आपको खाद ही नहीं डालनी पड़ेगी। ओके सर। ना कोई दवाई डालनी पड़ेगी। ओके सर। आपका बिल्कुल केमिकल फ्री हो जाएगा, और जब बिल्कुल केमिकल फ्री हो जाएगा तो फसल आपकी क्या होगी, ऑर्गेनिक होगी। ऑर्गेनिक फसल के बारे में आप अपने बुजुर्गों से पूछ सकते हैं, जैसे कि अगर गोभी, भिंडी पहले लोग कच्ची खा लेते थे, कैसा टेस्ट था। yes. आज की डेट में टेस्ट बदल चुका है। क्यों बदल चुका है, जो चीज़ हम डालेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो तत्व और असर आता है, अब वही चीज़ हमारे शरीर में जाता है, जब शरीर में जाता है तो वही चीज़ हमको बीमारी से ग्रसित कर देता है। आज की डेट में बात करें तो भारत के पूरे 29 राज्यों में इस बूस्टर का प्रयोग किया जाता है। हर ज़िले में लगभग 11,000 इसके स्टोर ओपन हो चुके हैं, हर जगह से अपने नज़दीकी स्टोर से आप इसको ले सकते हैं और इसको लेकर के आप डाल सकते हैं और एक आप अच्छी आमदनी भी कर सकते हैं साथ साथ में। तो दोस्तों, अपेक्षा करते हैं आप सब लोग इस बूस्टर का प्रयोग करेंगे और कराएंगे। स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। गुड आईएमसी। गुड आईएमसी। हम लोग जो है गुड आईएमसी। गुड आईएमसी। मेरा नाम अभिरन लाल प्रजापति, डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर से। आज हम लोग हैं जिला हरदोई के एक गांव बासत नगर गांव में आए हुए हैं और अपनी एग्रो ग्रोथ बूस्टर का डेमो करवाने के लिए। तो अब जो है हमारे जो किसान भाई हैं यहां के रविंद्र कुमार प्रजापति, और इनसे हम जो है एग्रो ग्रोथ का बूस्टर का इस्तेमाल कराएंगे। और अभी जो है यहां पे जो खाद जो है हमारी एग्रो ग्रोथ बूस्टर जो है, इसको कई तरीके से मिला के डाल सकते हैं, जैसे इसका छिड़काव कर सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं, और इसको हम रेत में मिलवा के डलवा रहे हैं। और अभी जो है जो रेत में मिलाएंगे, और फिर रेत में मिलाने से इसमें ऐसा है कि अगर रेत में मिला लेंगे, अगर खाद में हम लोग मिलाएंगे तो मतलब उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से पड़ जाएगी पूरी 200 ml 200 ml 4 बार में डालो। बोलो इन्हें क्या बोलने, आईएमसी के बारे में कुछ बता सकते हैं। 4 ढक्कन डालिए सर आईएमसी के। आपने और भी कोई प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, कैसे लगे हैं आपको? अच्छे लगे, मैंने इस्तेमाल किए, तुलसी चाय, तुलसी और चीज़ें मैंने इस्तेमाल की तो अच्छी लगी। वे आपकी कंपनी की तरफ से मैंने खेत के लिए मंगाया तो ये देख रहे पहली बार इस्तेमाल करके कैसी अच्छी लगती है। अच्छी लगी तो हम और इसे दूसरे खेत में उपलब्ध कराएंगे। अच्छा, इसका रेट और मार्केट वाली चीज़ें का रेट है, तो फ़ायदा आपको किस में लगा है? फ़ायदा मुझे अच्छा लगा तुलसी में। नहीं नहीं, जैसे कि जो एग्रो बूस्टर डालेंगे तो इससे आपको महंगा तो नहीं पड़ रहा, बजट तो नहीं ज़्यादा बढ़ रहा आपके खेती का? महंगा नहीं, फिर जैसा इसकी उपलब्ध दिखाएगी। खाद वगैरह आप डालते हैं तो उसमें ज़्यादा लागत आती है? हाँ, तो अच्छी लगेगी, महंगा नहीं है। ढक्कन हो गए ठीक, मिला लीजिए।
तो हमारे साथ में जो आइबरन लाल प्रजापति जी हैं, इस सीसी पे आपको पढ़ के बताएंगे कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है और कितनी मात्रा में ये डाला जाता है, क्या इसमें पड़ा हुआ है और क्यों डालना चाहिए आज के किसान को, ये अभी बताएंगे। तब तक हमारे जो बेजा गांव के भैया हैं वो मिक्स कर रहे हैं अपने खाद में। ये जो है हम कपास, धान, गेहूँ, सोयाबीन, मिर्च, बैंगन, आलू, टमाटर, चना, हर प्रकार के दलहन सब्जियों फूलों पर इसको उपयोग कर सकते हैं। और इसका डालने का कितनी मात्रा में डाली जाती है, तो इसको 10 से 15 डेढ़ ml प्रति लीटर पर्याप्त पानी की मात्रा में इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसे छिड़काव भी करा जा सकता है और किसी राख या मालिया बालू में मिला के इसको भी डाल सकते हैं, या मतलब जो है खेत में पानी चल रहा है तो वहाँ पे बूंद बूंद करके चुवा सकते हैं। तीन तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। और इसको तैयार किया है जैविक, ये जैविक रूप से उपयोग है पौधों जैसे एलोवेरा, नीम, आंवला, लहवेरी, गौमूत्र इत्यादि से निर्मित है, जिससे प्रकृति रूप से उपलब्ध है प्रोटीन, मिनरल एवं विटामिन सम्मिलित हैं और बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त हमारी IMC का एक प्रोडक्ट है। और अभी तक तो मैं इसको बता रहा था, लेकिन आज ऐसा एक मौका लगा और हमारे बीच हमारे किसान भाई हैं जो आप लोग देख रहे होंगे अभी खाद में मिक्स कर रहे हैं हमारी एग्रो ग्रोथ बूस्टर, तो पहली बार अब हम इसको डेमो करके भी देख रहे हैं, ऐसा मौका मिला। आज हम लोग जो हैं हरदोई डिस्ट्रिक्ट हरदोई के एक गांव बासत नगर, बेजा बासत नगर में है और अभी हम आपको दिखाएंगे कि अभी तक हमारा जो खेत है अभी इसमें कोई प्रकार की कोई दवाई या खाद नहीं पड़ी है और आज इसकी स्टार्टिंग है, शुरुआत है। और इसके बाद में जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको भी हम उस रिजल्ट को भी आप लोगों तक पहुंचाएंगे कि हमारी एग्रो ग्रोथ बूस्टर कितनी इसमें ग्रोथ बढ़ाती है, ठीक है।